हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कैसे कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन में, और कैसे टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को बंद कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी, जिस पे जाकर आप अपने फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो सिंपली सेटिंग्स से शो हो रही है, देखते हैं आप शो हो रही है। तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाना है। टैप करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी, जिस पे जाकर आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो सिंपली सिस्टम साउंड सेटिंग्स पे जाना है, जिस पे जाकर आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। जब आप इसको ऑफ कर दोगे तो जो भी आपके फ़ोन का टच साउंड है आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा, और कोई भी साउंड आपके टच पे शो नहीं करेगा क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से भी टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से चाहें तो साउंड को ऑफ करके भी टच साउंड आपके फ़ोन में ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से टच वाइब्रेशंस भी ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी वाइब्रेशन आपके टच पे शो नहीं करेगा, एंड आप इस तरीके से भी ऑफ कर सकते हैं एंड ऑन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।